केमिस्ट्री। चलिए अब हम हमारे बाइसाइक्लो कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है उनको, कैसे इनका नोमेनक्लेचर करना है और उसके बाद हमारा स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन आपको पहले खुद ट्राई कीजिए, क्या पता मेरे बताने से पहले आप करो तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, एकदम बूस्ट अप मिलेगा आपको कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए, और जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसको सीक्वेंस में लिखते चलिएगा। ये पर्टिकुलर आपके पास कंपाउंड है, यहां पे आपके पास एक इथाइल और यहां पे एक मिथाइल है और आपका इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक, तो पॉज करके क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप नोमेनक्लेचर लिखने के बाद कंपेयर करना मेरे आंसर के साथ कि क्या हमारा आंसर सही है। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा आसान सा है, आप लोग करिए, कुछ नहीं बड़ा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉज करके अटेंड करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्कस करना। आइडेंटिफाई द ब्रिज एट कार्बन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक, अब एक ब्रिज एट कार्बन से दूसरे ब्रिज एट कार्बन तक आने के लिए अपने पास तीन पाथ है, एक पाथ ये राइट हैंड साइड वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक ये वाला स्ट्रेट वाला पाथ। सिंपल सी बात है, अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आप देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे आए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां से यहां आने में अपने को ये एक कार्बन और ये एक कार्बन क्रॉस करना पड़ेगा, तो टोटल देयर आर टू कार्बन, जो हमारा फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट पाथ उसमें दो कार्बन आ रहे हैं बीच में। सेकेंड जो पाथ है आप देख सकते हैं, ये वाला पाथ या फिर ये वाला पाथ, दोनों के केस में यहां पे भी एक कार्बन आएगा, यहां पे भी एक कार्बन आएगा, तो जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है हमारा, जो सेकेंड पाथ है उसमें भी एक कार्बन आ रहा है और जो थर्ड पाथ है उसमें भी बस एक कार्बन आ रहा है। अब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी है तो बहुत सिंपल होता है, एक्स की वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट कैन कम इन अ पाथ, तो वो कितना बेटा टू, तो एक्स की वैल्यू दो आएगी। वाई की वैल्यू अब देखो बेटा एक एक है तो वाई की भी वन वैल्यू और जेड की भी एक वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है बेटा वो है दैट नंबरिंग ऑफ अ चेन, बाइसाइक्लो चेन का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइसाइक्लो की नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, जो कॉमन कार्बन एटम है या फिर जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है। सिंपल, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऊपर वाले से नंबरिंग स्टार्ट करूं कि नीचे वाले से, ये आप लोग को डिसाइड करना है फिलहाल के लिए, और आप नंबरिंग लिखिए उसका और उसके बाद हम देखते हैं कि किसकी नंबरिंग सही थी, किसने नंबर सही लिखा है। ठीक, अब वैसे बाइसाइक्लो के लिए हमारा रूल क्या है, जनरल रूल, पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड बाइसाइक्लो लिखा जाता है, उसके बाद हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करते हैं और साथ में हम पुट करते हैं वर्ड रूट हमारा और साथ में सफिक्स प्राइमरी लिखा जाता है। ठीक, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसके नेम के लिए बेटा, बाइसाइक्लो के आईपीएसी नेम के लिए। तो अब आप देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, आप देखो हमको पता है सबसे लॉन्गेस्ट पाथ किससे पहले नंबरिंग होती है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4। अपने पास एक और तरीका है इसका नंबरिंग करने का, कैसा नंबर करने का तरीका, मैं इसको वापस से बनाता हूं ताकि अपना एकदम थॉट एकदम क्लियर हो जाए। नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां नीचे वाले कार्बन से, देखो ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, मैं क्या करता हूं इस पहले लंबे वाले पाथ को कवर करता हूं, 1 2 3 4। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि ये पहला जो रूल है हमारा कि ब्रिज हेड कार्बन आइटम से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये उस रूल को फॉलो कर रहा है और ये भी उस रूल को फॉलो कर रहा है, तो फिर इन दोनों में करेक्ट नंबरिंग कौन सी है। और सेकेंड रूल बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसका पहला नंबरिंग होनी चाहिए, देखो 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट पाथ की हमने पहले नंबरिंग की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग की है। तो अब यार दोनों में से सही कौन है सर बताइए, जरा कुछ दिक्कत नहीं हो रही हमको, पर जो हमारा अच्छा बच्चा वो देख गया होगा कि यार इसका नाम क्या है, ये कौन सा ग्रुप है दो कार्बन वाला, इसको क्या बोलते हैं प्यार से इथाइल बोलते हैं, और एक कार्बन आइटम वाला ग्रुप जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा मिथाइल, हमारा सब्स्टिट्यूट जिसका नाम बेटा मिथाइल और ये हमारा इथाइल। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे इथाइल को क्या नंबर मिला, यहां पे इथाइल को मिला नंबर 3 अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करते हैं, और मिथाइल को क्या नंबर मिला, मिथाइल को नंबर मिला नंबर 2। सिंपल, और अगर हम इस वाले केस की बात करें तो यहां पे इथाइल को नंबर क्या मिला बेटा, यहां पे इथाइल को नंबर मिला 2 और यहां पे मिथाइल को नंबर मिला क्या बेटा नंबर 3। तो अगर सम रूल की बात करें तो 2 3 5, यहां पे 3 2 5 होता है, तो दोनों में से अब कौन सा करेक्ट है आपको कैसा पता चले, बहुत सिंपल है, अगर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, एबीसीडी याद है ना, बस देखो ई या एम पहले कौन आता है बेटा, ई आता है, तो हमेशा याद रखना जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो कि नंबर 2 है,
इस वाले केस में इथाइल को नंबर 3 मिल रहा है और इस वाले केस में इथाइल को नंबर 2 मिल रहा है, तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग है और ये हमारी इनकरेक्ट नंबरिंग है। ठीक, तो करेक्ट नंबरिंग हमको पता चल चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग अब अपने को पता चल चुकी है, अब उस नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं अच्छे से पूरा शिद्दत से और देखते हैं कि उसका नाम क्या रहेगा। ठीक बेटा, चलिए उसकी नंबरिंग पहले कंप्लीट कर लूंगा। सबसे पहले ये पता चल चुका है कि नंबरिंग हमेशा ये डायरेक्शन में मुझे करनी है अभी फिलहाल इस केस के लिए। क्यों? क्योंकि पहले रूल है कि ब्रिजेट से स्टार्ट करो तो वहीं से स्टार्ट किया। सेकेंड रूल है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है पहले उसकी नंबरिंग होगी, तो लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग कर रहे हैं। और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ऐसे करने पर जो इथाइल उसको नंबर 2 मिलेगा। ठीक, अब आप देखिए कुछ नहीं, अब यहां पे देखो ये पाथ, ये भी एक कार्बन है, इधर पाथ में भी ये भी एक कार्बन है, तो दोनों में एक एक कार्बन है, कौन से भी पाथ की पहले नंबरिंग कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली 4, 5 और 6, सिंपल, आप यहां पे 4, 5, 6 लिख सकते थे या फिर 5, 6 ऐसे लिख दो, फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ दोनों के बीच में एक एक कार्बन एटम आ रहे हैं, तो दोनों में से आप किसी की भी पहली नंबरिंग कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अगर यहां पर कोई ग्रुप अटैच होता तो फर्क पड़ जाता, तो नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, बड़ा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो देखिए, सेकंड पोजीशन पर अटैच है इथाइल, थर्ड पे अटैच है मिथाइल, तो याद रखना कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम नाम लिखते हैं। तो आईयूपीएसी में सबसे पहले बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर अगर हम बात करें तो पहले ई आता है, तो इथाइल कहां अवेलेबल है बेटा, इथाइल सेकंड पोजीशन में अवेलेबल है, इसलिए हम उसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे बाय उसका नंबर कि वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है बेटा, मिथाइल। देखो बेटा, मैं रूल वापस से बार बार बोलते रहता हूं ताकि आपको अच्छा याद रहे। देखो, नंबर नंबर के बीच में कॉमा, नंबर लेटर के बीच में क्या बैठता है, डैश आएगा, और लेटर लेटर के बीच में कुछ नहीं आएगा, कोई स्पेस नहीं। तो ये हमारा प्रीफिक्स कंप्लीट। अब क्या आएगा, वर्ड बाईसाइक्लो वर्ड आ जाएगा, और बाईसाइक्लो वर्ड आने के बाद आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे, तो एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 1 है। उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 चेन के अंदर, तो 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट आता बेटा है एक्स, और सफिक्स प्राइमरी से पूरा का पूरा सिंगल कंपाउंड है तो आ जाएगा एएनई, क्योंकि ये है अल्केन। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा नाम है हमारा आईपीसी नेम इस चीज के लिए। ठीक, तो बहुत से बच्चे मुझे बताएंगे मैसेज करके कि सर ये हमारा सही हो रहा है, हम आपके बताने से पहले मैंने क्वेश्चन सही कर लिया था। ठीक है, आपको मुझे पर्सनली बताना है कि क्या हमने एग्जैक्टली नाम लिखा था कि नहीं लिखा था। जो बंदे बताएंगे उसको 1 रुपए पेटीएम अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं करूंगा ट्रांसफर, अभी लॉकडाउन वैसी हालत खराब चल रही है। तो ध्यान दो यहाँ पे 211 हेक्सेन इस तरीके से नाम रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्यारा सा नाम, जल्दी से लिख लो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, हम आपके लिए अब क्वेश्चन लाते हैं, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को मैं इतने डीपली डिस्कस क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी अगर दूसरा थॉट आता है तो वो थॉट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो याद रखना कि विनय सर सारे पॉइंट कवर करेंगे, स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो विनय सर को मैसेज करने से एकदम डरना बिल्कुल नहीं है, विनय सर आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, तो मैसेज करना है, जो भी डाउट आता है छोटे से छोटा वो भी डाउट को मैसेज करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको आपका दूसरा क्वेश्चन देते हैं, और ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड है, यहां पे एक ये अटैच है और यहां पे ये ग्रुप अटैच है। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड है, आपको इसकी नेमिंग करनी है। बाईसाइक्लो कंपाउंड आप देख सकते हो, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, और ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा ब्रिजेट कार्बन जो कि कॉमन कार्बन एटम है, 2 कार्बन कार्बन एटम बिटवीन 2 रिंग्स। तो जल्दी से आप नॉमिनेशन कीजिए इसका, आई होप आप लोग सही करेंगे। ठीक, सबसे पहले मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप बताएंगे, उसके बाद आप जाके नाम लिखेंगे, नाम से पहले आपको नंबरिंग भी करनी है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक, तो चलिए हम आपको हेल्प कर देते हैं, बहुत से बच्चे ने कर लिया होगा क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं कर पाए वो आप सोल्यूशन देखें, बड़ा आसान सा है। अब क्या होता है बेटा, आपको पहले फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, बहुत सिंपल है। आप देखो बेटा, ये ब्रिजेट कार्बन से ये ब्रिजेट कार्बन या फिर इस ब्रिजेट कार्बन से यहां आने में कितने पाथ अपने पास, 3, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक डायरेक्ट। और आप एक चीज नोट करेंगे, अगर क्लॉकवाइज आऊंगा तब भी मुझे 2 कार्बन एटम क्रॉस करने, एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा तब भी 2 कार्बन एटम क्रॉस करने, सीधे आना चाहता हूं तब भी 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहां पर सारे के सारे पाथ में सिर्फ 2 कार्बन एटम आ रहे, तो एक्स की वैल्यू भी वाई, और एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू भी बेटा क्या 2 आएगी। सिंपल, अब बात आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग याद रखना बेटा, यहां से नंबरिंग करूंगा 1, 2, 3, 4,
ठीक है बेटा, इस तरीके से नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4। अब बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए लिखा बेटा ताकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट इनको क्या मिले बेटा, लोएस्ट नंबर मिले, इसलिए ऐसा नंबर लिखा गया है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते 1 2 3 4 तो इसको क्या मिलता 3, इसको मिलता 4, पर अच्छी बात नहीं है। जब इसको 1 2 नंबर मिल सकता है तो क्यों 3 4 नंबर देना, ठीक है। और वैसे आप देख सकते हो ब्रिजेट कार्बन से स्टार्ट किया है, लॉन्गेस्ट पाथ को कवर किया, मेरा सारा रूल अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी दो कार्बन आते हैं, यहाँ पे भी दो कार्बन, तो दोनों पाथ सेम लेंथ के हैं, तो किसी की भी नंबरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 के बाद 5 6, अब इसकी नंबर आंसर कर दो बेटा 7 और ये 8, सिंपल बेटा। अब 7 8 आपने ऐसा लिखा है या फिर आप 7 8 इस तरीके से लिख दो 7 8, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। फर्क तब पड़ेगा जब यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, ठीक। अब ये हमारा नॉर्मल नंबरिंग हो गई, अब इसका प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स में देखो फर्स्ट पोजीशन मिथाइल, सेकंड पे भी मिथाइल है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.2 डाइमिथाइल, क्योंकि दो बार आ रहा है इसलिए हमने डाइमिथाइल लिखा, ठीक। अब ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मैंने डाई यूज किया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता तो मैं क्या यूज करता, बेस वर्ड यूज करता, बट इट इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट सो वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड डाई, ठीक है। तो 1.2 डाइमिथाइल प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। प्रीफिक्स के बाद आता है बाईसाइक्लो, तो हम बाईसाइक्लो लिख देंगे, और बाईसाइक्लो के बाद आपको एक्स वाई जेड तीन की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दो 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 ही है, तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे 2.2.2, और उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, कितने कार्बन है, 8 कार्बन के वर्ड रूट आएगा बेटा क्या, ऑक्ट, और साथ में सफिक्स प्राइमरी अल्केन है, तो ANE अल्केन क्यों बेटा, क्योंकि पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड वाला, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। तो ये हमारा पैरा सा नाम, जल्दी से आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको दो क्वेश्चन और बचे हैं उनको करवाते हैं, आप खुद ट्राई करेंगे पहले, ठीक। और अगर आपसे नहीं होता तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, विनय सर तो आपको समझा ही रहे हैं। और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा आज के लेक्चर में स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है वो भी थोड़ा ज्ञान दे दूंगा मैं आपको, और फिर स्पाइरो कंपाउंड की नॉमिनेशन देखेंगे कैसे की जाती है, ठीक। तो ये क्यों मिटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते वापस से हम लोग क्या, ये प्रीफिक्स होता है पहले, फिर उसके बाद बाईसाइक्लो वर्ड आता है, ठीक। चलिए आपको क्वेश्चन हम देते हैं, पहले आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन है और आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को, ठीक। किस क्वेश्चन को आपको करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बाईसाइक्लो कंपाउंड आप देख सकते हैं, दो कार्बन, दो कॉमन कार्बन आइटम, इसको हम ब्रिज हेड कार्बन भी बोलते हैं। आपको नंबरिंग करनी है, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ मुझे आप, ठीक। चलो चलो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो ना हो इसलिए सिंपल याद रखो, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक आने के लिए अपने पास 3 वे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट। अगर आप क्लॉकवाइज वे में आओगे तो आपको एक कार्बन आइटम क्रॉस करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में भी एक, और डायरेक्टली आओगे तो 0 कार्बन आइटम। तो पहले फर्स्ट रूट अगर आप फॉलो करोगे ये वाला तो 1 कार्बन आइटम, सेकेंड रूट अगर आप ये वाला फॉलो करते हो तो भी 1 कार्बन क्रॉस करना पड़ेगा, डायरेक्टली आते हो जो कि हमारा थर्ड रूट है तो अपने को 0 कार्बन आइटम क्रॉस करने पड़ेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 और जेड की वैल्यू आ जाएगी 0। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू पुट करनी होती है आपको। ये नंबरिंग हो गई, अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग यहां से ऐसे कर लो, यहां से ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी हमारा 1 कार्बन वाला रूट है, यहाँ पे भी 1 कार्बन वाला रूट है, तो दोनों सेम आइडेंटिकल पाथ है, तो नंबर हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3। फिर आप देखो यहां से यहां नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में कोई कार्बन ही नहीं, सिंपली यहां पे लिख देंगे 4, ठीक। अब हमेशा याद रखना कि नंबरिंग ये साइक्लिक फॉर्म में होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग नहीं देनी। अब 4 एंड सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है बेटा, वेरी गुड, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप नंबर यहां से करते हैं 1 2 3 4, तब भी 1 2 और 4 ही नंबर मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका नाम कैसा आ जाएगा बेटा 2.4 डाइमिथाइल, दो बार मिथाइल आ रहा है और दोनों की पोजीशन स्पेसिफाई करके डाइमिथाइल लिख दिया, तो अपने समझ में आ रहा है कि 2 और पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। और उसके बाद वर्ड बाईसाइक्लो आप लिखोगे तो वर्ड बाईसाइक्लो हम लिख देते हैं, और उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.1.0, उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है बेटा 1 2 3 4 कार्बन है, तो आ जाएगा वर्ड रूट ब्यूट और सफिक्स प्राइमरी ANE। तो ये हमारा नॉर्मली नाम हो गया 2.4 डायमिथाइल बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूट एन, ठीक है बेटा। जल्दी से आप लोग लिखिए, इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं। चलो लिख लिया बेटा, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं, रॉकेट साइंस, आराम से समझते चलो और मजे करते चलो, ठीक। चलो आपको एक और क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है, आपको नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है और आपको उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, जल्दी सेट हो जाइए आप। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं डरने की क्या बात, जब इन्हें सारे साथ ये रहा ब्रिजेट कार्बन, ये रहा ब्रिजेट कार्बन, ब्रिजेट कार्बन से ब्रिजेट कार्बन पहुंचने के कितने वे, तीन वे, एक क्लॉक एंटी क्लॉक है डायरेक्टली। अगर आप क्लॉकवाइज वे में आते हो तो यहां पे देखो अपने को एक कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट वे है हमारा ये, तो उसमें अपने को एक कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो दो कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा, तो सेकेंड वे में क्या बेटा दो कार्बन एटम, और थर्ड वे जो डायरेक्टली अपना है जिसमें अपने को एक भी कार्बन एटम क्रॉस करना नहीं पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन टू और जीरो में हाईएस्ट वैल्यू क्या है टू, तो एक्स की वैल्यू टू, फिर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या बेटा वन, तो वाई की वैल्यू वन, और जेड की वैल्यू आ जाएगी क्या जीरो। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को आ गई है, पता चल गई है, तो इसको मिटा देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है। ठीक, अब याद होगी अपने को वैल्यू क्या है टू वन जीरो, सिंपल। अब नंबरिंग करनी, नंबरिंग देखो कैसा करोगे, नंबर आप वन टू थ्री लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये छोटा पाथ है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन आइटम, बड़ा दो कार्बन आइटम यहाँ पे है, तो बड़ा पाथ कौन सा, ये वाला पाथ है, तो पहले नंबरिंग इस पाले पाथ की होने वाली है। ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ, अगर यहाँ पे ग्रुप अटैच पे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नंबरिंग का रूल है वो किसी के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं होने वाला, नंबरिंग हमेशा जो उसका स्टैंडर्ड सेट है उसी से होने वाला है। तो सबसे बड़ा पाथ पहले नंबरिंग होगी, तो वन टू थ्री फोर, अब उसका छोटा पाथ हमारा ये वाला पाथ है, एक नंबर वाला, तो उसको फाइव कार्बन दे दो, यहाँ पे तो कोई कार्बन आइटम दे दो, नंबर देने की बात होती नहीं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स अपने पास कौन सा स्टूडेंट है पूरे मॉलिक्यूल में, बस ये, तो फाइव मिथाइल। ठीक, अब फाइव पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, उसके बाद वर्ड क्या लिखना है, बाइसाइक्लो, तो देखिए इस तरीके से बाइसाइक्लो लिख दिया हमने, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको पता है टू वन जीरो, अभी फाइन किया था हमने, तो टू वन जीरो, उसके बाद वर्ड रूट पांच कार्बन क्या जाए बेटा पेंट, और साथ में सफिक्स प्राइमरी ए एन ई। ठीक, ये हमारा नॉर्मली कंपाउंड का नाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी छाप लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखते हैं आप लोग का दिमाग कितना चलता है। ठीक, ये आपका कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है आपको। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड देख के पता चलता है, एक साइकिल दो साइकिल और दो कॉमन कार्बन आइटम दिख रहे हैं आपको दोनों रिंग के बीच में, है ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड है। नेमिंग कीजिए, एक्स वाई जेड की पहले वैल्यू बताइए मुझे, फिर नंबरिंग करिए, फिर उसके बाद आप नेमिंग करेंगे अच्छे से। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एक ब्रिजेट कार्बन से दूसरे ब्रिजेट कार्बन पे आने पर अपने पास तीन वे हैं, तो अगर मैं क्लॉकवाइज वे से आता हूं तो मुझे एक कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट वे है हमारा उसमें अपने को एक कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड वे से आता हूं जो एंटी क्लॉकवाइज वे हमारा, तो एक दो तीन कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, तो जो सेकंड वे है वहां पे मुझे तीन कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां पे आ जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, थर्ड वे जो हमारा है उसमें एक भी कार्बन एटम क्रॉस करने नहीं पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, वन थ्री जीरो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो वन थ्री जीरो में हाईएस्ट कौन है तीन, तो तीन। वाई की वैल्यू उससे कम वाली वैल्यू, तीन से कम कौन है एक, तो वाई की वैल्यू वन, और जेड की वैल्यू जीरो। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है ब्रिजेट कार्बन से, तो देखो बेटा या तो नंबरिंग वन यहां से स्टार्ट करो, या तो वन यहां से। क्या आप नंबरिंग ऐसे करोगे वन टू ऐसे करोगे, नहीं मत करना, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। देखो ये वाला एक ही कार्बन वाला पाथ है, सबसे बड़ा पाथ कौन सा, एक दो तीन, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग होती है। तो मुझे बताओ ऐसे लिखोगे क्या, वन टू थ्री फोर, या फिर वन टू थ्री फोर, बात समझो। हाँ, वेरी गुड, अगर आपका दिमाग चल गया है तो देखो बेटा, अगर आप वन टू, तो फर्स्ट लोकेट डाला सेकंड पोजीशन पे, वन टू यहाँ पे भी फर्स्ट लोकेट डाला सेकंड पोजीशन पे, बट ये हमारा कौन सा है, ये इथाइल ग्रुप है और ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए कि मिथाइल को, वेरी गुड बेटा, इथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होकर इस तरीके से आएगी, वन टू थ्री फोर फाइव, ये नंबरिंग हमने पहले क्यों की, क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग होती है, उसके बाद छोटा वाला पाथ जिसको नंबर छह लिखोगे, सिंपल। तो ये नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, इथाइल, क्योंकि वो पहला आता है, तो हम लिखेंगे टू इथाइल।